कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एजाज खान भी जुड़े थे मीडिया इंटरेक्शन के लिए, लेकिन जिस तरीके का मीडिया इंटरेक्शन उनका हुआ उसके बाद सभी बस एजाज को ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट बोलते हुए ना थके। क्या है पूरी खबर बताते हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई एजाज खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े यहाँ पर मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए, और जिस तरीके से वो मीडिया पर्सन के साथ बिहेव करते हुए नजर आए, जिस तरीके के जवाब वो देते हुए नजर आए, और जिस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस उनकी बातों से, उनके चेहरे से, उनकी हरकतों से झलक रहा था, उसके बाद सभी बस एक ही चीज बोलते हुए नजर आए, आखिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है किस बात का। और बार बार एजाज एक चीज बोल रहे थे कि घर के अंदर जो भी माहौल था, मुझे ये लगता था, मुझे वो लगता था, लेकिन घर के बाहर आने के बाद मुझे सब पता है। अब एजाज खान को ऐसा क्या पता है घर के आने के बाद जो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, बिकॉज एजाज इज डेफिनेटली नॉट द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन। तो ऐसे में इस घमंड का रीजन क्या है, इस घमंड की वजह क्या है, ऐसा क्या पता चल चुका है एजाज खान को कि वो जो है उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक मीडिया पर्सन ने एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया। हो सकता है कि वो अपने क्वेश्चन को क्लियरली पुट अक्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एजाज खान ने बहुत ही गंदे अंदाज में उसको बोला कि बार बार क्वेश्चन रिपीट करने से ऐसा नहीं होगा कि मुझे क्वेश्चन कुछ अलग समझ में आएगा, मैं पहली बार में एक क्वेश्चन समझ गया था, तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की बातें एजाज ने की, उस तरह की बातें बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी इस सिनेरियो में। इनफैक्ट यहाँ पर कंटेस्टेंट के साथ मीडिया वाले भी काफी शॉक्ड थे कि हाउ इज दिस एजाज बिहेविंग। यहाँ पर काम्या पंजाबी जो पूरे सेशन को होस्ट कर रही थी, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि एजाज यू आर साउंडिंग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, वेरी एरोगेंट, एंड आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो भाई एजाज का घर के बाहर जाने के बाद ऐसा कौन सा जो है दिमाग का पलटफेर हुआ है जो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना एरोगेंस भी अच्छा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप एजाज की मीडिया इंटरेक्शन के बारे में, जो भी हुआ कल बिग बॉस के घर के अंदर, आइए करते हैं उसी के बारे में कमेंट सेक्शन में चर्चा, और लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है।